तो एक्सरसाइज टू पार्ट थ्री, फर्स्ट जो फर्स्ट फर्स्ट में जो इनइक्वालिटी गिवन है उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ तो क्या क्या है। a टू a एंड a स्क्वायर, टू n a स्क्वायर है तो a ग्रेटर देन 2 है तो कौन बड़ा रहेगा, a बड़ा रहेगा, 2a बड़ा रहेगा या a स्क्वायर बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा कौन रहेगा? सर a स्क्वायर रहेगा, a स्क्वायर रहेगा, a ग्रेटर देन 2 क्वेश्चन में गिवन है तो ये सबसे बड़ा, देन यहां पे 2a एंड ये a आ जाएगा, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, सबकी पावर देखो ऑड है, वन ये प्लस माइनस आएगा और हमें माइनस वाला रीजन मींस ये चाहिए था तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इनफिनिटी टू a, मतलब ये एक तरीके से x लेस देन a आ जाएगा एंड यहाँ पे और x ग्रेटर देन 2a एंड लेस देन a स्क्वायर। तो हमें बताना था कि देयर मस्ट बी 18 पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, तो उसके अकॉर्डिंगली a की वैल्यू डिसाइड करनी थी, तो a की वैल्यू 2 से बड़ी है तो 3 लेंगे तो चलेगा क्या a की वैल्यू, इस तरीके से सोचना है यहाँ पे a की वैल्यू 3 चलेगा, yes. a की वैल्यू 3 लेंगे, a की वैल्यू 3 तो ले सकते हैं लेकिन क्या उसके लिए 18 इंटीजर्स आ रहे क्या, ये देख लेना x लेस देन 3 एंड यहाँ पे x ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 9 तो यहाँ पे दो इंटीजर आएंगे कौन से, x इज इक्वल टू 1 2, यहाँ पे आ जाएंगे 7 8, चार इंटीजर्स आ गए टोटल ऐसे ही 4 के लिए तो ये सेटिस्फाई होगा a इज इक्वल टू 5 के लिए, तो देख लो a लेस देन 5 आ जाएगा एंड a ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 25, तो यहाँ पे 4 आ जाते हैं और यहाँ पे 14 आ जाते हैं, तो इस तरीके से आंसर मिलेगा, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ, सर थर्ड थर्ड का बी एंड सी ऑप्शन, सर थर्ड में क्या करेंगे बताओ तो, कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे इसमें, क्या करेंगे सबसे पहले? सर दो लॉग बनाएंगे लॉग बेस 5x के, पहले बेस तो 5 चाहिए होगा ना, तो क्या करे यहाँ पे log x बेस, बेस चेंजिंग थ्योरम है ना, log 5 by x बेस 5 अपॉन log 5 x बेस 5 इज इक्वल टू 1। अब थोड़ी देर के लिए log x बेस 5 की जगह पे t ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस t एंड यहाँ पे 1 प्लस t, देख लो प्रॉपर्टी लगा दो, log 5 बेस 5 माइनस log x बेस 5 एंड यहाँ पे log 5 बेस 5 प्लस log x बेस 5, m into n and m upon n वाली प्रॉपर्टीज है, इज इक्वल टू 1। अब LCM वगैरह ले लो तो यहाँ पे ये t स्क्वायर प्लस t क्यूब प्लस 1 माइनस t इज इक्वल टू 1 प्लस t, तो ये 1 1 गया, तो t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू 0, तो t कॉमन आके ये t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t की तीन वैल्यूज आ रही है 0 और यहाँ से 2 आ जाएगी माइनस 2 एंड 1, लेकिन t तो क्या था log x बेस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 एंड 1, तो x इज इक्वल टू 1 1 बाय 25 एंड 5, ये तीन वैल्यूज हमें मिलेगी, क्लियर? यस यस सर। फिर उसके बाद फोर्थ फिफ्थ के ऑप्शन में क्या हो गया तनीषा? आसानी तो है सर, मेरे दो ही सॉल्यूशन आ रहे उधर, तीन दिए नहीं, वो क्यूबिक बनता है ना log x में, log x बेस 3 में क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। ओके सर, ये देख लो ना बेस 3 का log लेंगे तो वो जो x की पावर में है वो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में,
और इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में वो log x बेस 3 है ही, जिसके पास इसके x के पावर में पूरी चीज आ रही थी, तो मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू ये 3/2। अब यहाँ पे log x बेस 3 की जगह पे t ले लो, तो ये t स्क्वायर माइनस 9/2 इंटू टी प्लस 5 इंटू टी इज इक्वल टू 3/2। तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे, इस टी को अंदर, तो 2t³ माइनस 9t² प्लस 10t इज इक्वल टू 3। तो एक तरफ लेके आ जाओ 2t³ माइनस 9t² प्लस 10t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देख लो एक फैक्टर इसका t माइनस 1 आ जाएगा, बाकी दो दूसरा निकाल लोगे सिंथेटिक डिवीजन से एंड वो भी आगे फैक्टराइज होगा। ठीक है? यस सर। यहाँ पे डी ऑप्शन। तो याद रखना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया था ए प्लस आयोटा बी, तो बी अगर जीरो हो जाता है तो उसको हम कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे? प्योरली रियल। प्योरली रियल है कि नहीं? मतलब यहाँ पे जो तीन रूट्स आने वाले हैं उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो उसको एक तरीके से हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, आप आइंदा से रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? यस सर। जितने भी रियल नंबर है उनको हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, और कैसा कॉम्प्लेक्स कहेंगे? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स। एंड कॉम्प्लेक्स में फिर एक्स्ट्रा नंबर्स भी आ जाएंगे जिसमें इमेजिनरी पार्ट रहेगा। सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, एट का ए ऑप्शन, लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू बी फॉर परमिसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड एक्स, देन आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच कैन बी करेक्ट, ए एंड बी आर टू इरेशनल नंबर्स, देन एक्स कैन बी रैशनल। तो सही हो सकता है ना? देख लो यहाँ पे तुम एन बी आर टू इरेशनल नंबर्स, देन एक्स कैन बी रैशनल। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? ए की पावर बी, ए की पावर बी आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देख लो, मैं अगर ए को ये ले लेता हूं रूट टू एंड बी को ले लेता हूं लॉग, बी को क्या ले यहाँ पे, हाँ कुछ भी ले लो यहाँ पे log 3 बेस रूट 2, जिसका बेस सेम आ रहा होगा, इस तरीके से लेना है। तो ये देखो अब रूट 2 एक इरेशनल नंबर, log 3 बेस रूट 2 एक इरेशनल नंबर, लेकिन इन दोनों से हमें क्या मिलने वाला है? 3। क्लियर? यस सर। यस सर। तो x रैशनल भी आ सकता है, वहां पे कैन भी बोला गया तो हाँ आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसे ही चेक करना इसमें एक में। ठीक है? यस सर। नाइन्थ, नाइन्थ का सी ऑप्शन। अब नाइन्थ के सी में तुम बताओ कि ये जो log 26 बेस 3 है, इसकी वैल्यू 3 से बड़ी है या छोटी है? से एकदम थोड़ी छोटी आएगी, थोड़ी सी छोटी आएगी, क्योंकि log 27 बेस 3 की वैल्यू 3 आती है, तो ये 27 से थोड़ा छोटा है तो 3 से छोटी है। एंड इसकी वैल्यू 3 से बड़ी है या छोटी है log 9 बेस 2 की? बड़ी आएगी। बड़ी आएगी, तो दोनों में कौन बड़ा रहेगा ये? क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? टेन, फिर उसके बाद पार्ट फोर कॉम्प्रिहेंशन वन हो गया था, कॉम्प्रिहेंशन टू कॉम्प्रिहेंशन थ्री ये ध्यान रखना आप, कॉम्प्रिहेंशन थ्री में
फोर्थ में ओनली वैल्यू ऑफ ए वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी है ना उसमें क्या डाउट है तनिषा अच्छा ए की वैल्यू क्या आती है बताना है ठीक है तो देख लो यहाँ पे वन अपॉन फाइव माइनस फोर लॉग एक्स बेस फोर प्लस फोर अपॉन वन प्लस लॉग एक्स बेस फोर इज इक्वल टू थ्री तो थोड़ी देर के लिए क्या कर लो इस लॉग एक्स बेस फोर की जगह पे टी ले लो तो ये वन अपॉन फाइव माइनस फोर टी 4 अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल टू 3 एलसीएम वगैरह तो ये 1 प्लस टी 20 माइनस 16 टी इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 4 टी टू 1 प्लस टी तो ये देखो यहाँ पे 21 माइनस 15 टी इज इक्वल टू 3 इंटू ये 5 माइनस प्लस टी माइनस 4 टी स्क्वेयर तो ये 3-3 कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे ये आ रहा है 7 माइनस 5 टी इज इक्वल टू 5 प्लस टी माइनस 4 टी स्क्वेयर तो एक तरफ लेके आ जाएंगे 4 टी स्क्वेयर माइनस 6 टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो ये देखो यहाँ पे 2 टी स्क्वेयर माइनस 3 टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो इसके फैक्टर्स 2 टी माइनस 1 एंड टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो टी इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड 1 तो यहाँ से x की वैल्यूज 2 एंड 4 तो ये में क्या बोला गया सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन तो 6 a की वैल्यू 6 है ठीक है यस सर फिर उसके बाद थर्ड कॉम्प्रिहेंशन बन गया ना सभी लोगों का ग्राफिकल मेथड से अप्रोच करना होगा ये 8 9th नंबर का जो क्वेश्चन है ना 8 9 दोनों जब दो अलग-अलग नेचर के फंक्शन आते हैं ध्यान रखना f of x एंड इधर g of x है और दोनों अलग अलग नेचर के फंक्शन है इधर ट्रिग्नोमेट्रिक इधर एक्सपोनेंशियल इधर एक्सपोनेंशियल इधर लॉगरिथमिक इधर पॉलिनोमियल इधर लॉगरिथमिक ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो हम जाएंगे ग्राफ से ग्राफ की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे तो नाइन्थ वाले में देख लो log x बेस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 7 की पावर x अब तुम बताओ log x बेस 1 बाई 2 का ग्राफ कैसा आता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा क्योंकि बेस वन से छोटा है तो ये उसका ग्राफ है एंड फिर उसके बाद सेवन की पावर एक्स का ग्राफ उसका ग्राफ ये वाला आ जाएगा इंक्रीजिंग हाँ ये दोनों ग्राफ कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक जगह पे तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे एक ठीक है कैसे सॉल्व करना है क्लियर है ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना अभी ये बढ़िया मेथड है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे इजीली बन जाते हैं फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ठीक है फोर्थ बढ़िया है लेंदी है थोड़ा ठीक है तो यहाँ पे log 3 by 4 और अंदर में है log 8 x square plus 7 plus log 1 by 2 यहाँ पे 1 by 4 and x square plus 7 की पावर में माइनस 1 तो पहले तो ये बताओ जो अंदर में लॉग है उनका बेस हम सेम कर सकते हैं क्या यस सर कर सकते हैं ये 8 मतलब क्या आ जाएगा 2 क्यूब तो 1 by 3 बाहर और यहाँ पे बचा रहेगा log x square plus 7 बेस 2 एंड यहाँ पे देखो ये log बाहर में तो 1 by 2 और उसके अंदर की क्वांटिटी ये पूरा log है तो यहाँ से माइनस वन बाहर है यहाँ से माइनस टू तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट होके 1 बाई 2 एंड यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 अब एक काम करो यहाँ पे ये जो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस 2 जो है इसको टी ले लो
ताकि चीजें आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगी, क्योंकि बाहर में जो लॉग है उसमें बेस देखो 3/4 एंड 1/2, इनको क्या हम सेम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा? बेस चेंजिंग थ्योरम। उसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगाना पड़ेगा, इसको हमने t माना है, तो ये t by 2 बेस 1 by 2 is equal to minus 2। अब बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओ और बेस क्या लेना चाहोगे तुम, बोलो। 1 by 2 2 ले लो ना, बढ़िया रहेगा। क्या 1 by 2 के इसमें फंस रहे हो, 2 ले लो या तो 3 ले लो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन यहाँ पे दिखना चाहिए वो 3 भी ले सकते हो या तो 2 भी ले सकते हो, ठीक है? तो 2 ले लेते हैं। तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के हमने बेस 2 ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा log t by 3 बेस 2 अपॉन log 3 by 4 बेस 2 प्लस log t by 2 बेस 2 अपॉन log 1 by 2 बेस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये देखो यहाँ पे log t बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 अपॉन, ये आ जाएगा log 3 बेस 2 माइनस 2 आ जाएगा, क्लियर? क्योंकि log 4 बेस 2 माइनस 2 प्लस यहाँ पे log t बेस 2 माइनस 1 अपॉन, ये माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2। अब एक काम करो यहाँ पे और एक बार सब्स्टिट्यूशन करो, ताकि क्या चीजें इजीली फैक्टराइज होती हुई दिखे। सर हाँ सर, वो माइनस आएगा ना फर्स्ट इसमें भी, t by 3 लो सर, लेफ्ट वाले में सबसे पहले log t t बेस 2 में। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी माइनस आएगा सही ऊपर, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूशन करो ताकि चीजें फैक्टराइज होती हुई दिखेगी। इसकी जगह पे अल्फा ले लो एंड जो दूसरा लॉग है log 3 बेस 2, इसकी जगह पे बीटा ले लो, कहाँ उसको रखोगे, और फिर दिक्कत हो जाती फैक्टराइज करने में, नहीं दिख पाता है। फैक्टराइज होने वाला होता है क्वेश्चन, लेकिन वो लॉग के टर्म्स में रखने से वो नहीं दिखता है इतना इजीली, ठीक है? तो ये पुट किया हमने, तो ये देखो अल्फा माइनस बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 प्लस, यहाँ पे माइनस को ऊपर एडजस्ट करवा देते हैं, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2, लिख सकते हैं। तो ये देखो अल्फा माइनस बीटा, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे आने वाला है बीटा माइनस 2 माइनस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये माइनस 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 बीटा प्लस 4। तो ये देखो ये बीटा गया, ठीक है? ये अल्फा माइनस 2 माइनस अल्फा बीटा प्लस 2 ये आ रहा है, एक मिनट लिख ही लेते हैं उसको, अल्फा माइनस 2 माइनस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा प्लस 4। अब एक तरफ जब लेके आ जाओगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, एक मिनट, ये अल्फा अल्फा भी कुछ हो रहा है क्या? अल्फा माइनस बीटा तो 3 अल्फा बन रहा है ना? यस यस हाँ, तो उसको 3 अल्फा लिख ही लेते हैं ना, कहाँ बन रहा है, तो 3 अल्फा यहाँ पे क्यों नहीं हो गया फैक्टराइज? फैक्टराइज होना चाहिए, 6 बनता, हाँ बन जाएगा, 6 बन रहा है ना। 3 अल्फा माइनस अल्फा बीटा, फिर इसको एक तरफ लेके आ जाओगे तो ये 2 बीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बताओ क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फा अल्फा और अंदर में है 3 माइनस बीटा, तो यहां से क्या कॉमन ले, माइनस 2 2 लेंगे, माइनस 2 माइनस, हाँ 2 माइनस 2 जो भी लेना है ले लो। तो यहाँ पे देख लो, इस पूरे में से 3 माइनस बीटा बाहर एंड अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जब इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब 3 माइनस बीटा 0 होना चाहिए, तो बीटा 3 अल्फा 2। अब ये बीटा जो था लॉग 3 बेस 2, क्या वो 3 के इक्वल हो सकता है क्या?
नहीं, नो सर, नहीं हो सकता। तो बस यहाँ पे ये अल्फा टू के इक्वल हो सकता है, अल्फा क्या था हमारा लॉग टी बेस टू इज इक्वल टू टू, तो टी इज इक्वल टू फोर, एंड ये टी किसको लिया है हमने, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बेस टू को टी लिया है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू सिक्सटीन, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये नाइन एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, क्लियर है। तो ये दो वैल्यूज आ जाएगी, लेंदी है थोड़ा ये लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर। ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना, कभी भी अगर मान लो बड़ी बड़ी चीजें दिख रही है तो वहां पे ये चीज जरूर सोचना, क्योंकि क्या वो थोड़ा सा छोटा वर्जन मतलब फॉर्म आ जाता है और वहां पे फैक्टराइज होता हुआ दिख जाएगा, अगर फैक्टराइज होने वाला होगा तो। और अगर तुम यहाँ पे लॉग के टर्म्स में ही रखते फिर मुश्किल हो जाती फैक्टराइज करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ ठीक है, सेवेंथ देख लो, सेवेंथ में है टू एक्स की पावर में एल एन टू इज इक्वल टू थ्री वाई की पावर में एल एन थ्री, एंड ये थ्री की पावर में एल एन एक्स इज इक्वल टू टू की पावर में एल एन वाई। अब x नॉट एंड y नॉट आर द सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशंस क्या है, x नॉट एंड y नॉट, तो हमें x नॉट की वैल्यू बतानी है। तो तुम बताओ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये फर्स्ट है सेकेंड है, क्या करें यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाए, बोलो। इधर तो ln x है, ln y है, ऊपर में x y है, तो क्या करें, दोनों साइड लॉग टू बेस सी, दोनों तरफ लॉग ले ले ln का बेस e का लॉग दोनों में, ठीक है। तो ये देख लो, इसमें जब तुम लॉग लोगे मतलब ln लोगे बेस e का लॉग, तो ln 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और अंदर में जो बचेगा वो क्या, ln 2 प्लस ln x, क्लियर। एंड यहाँ पे आ जाएगा ln 3 एंड अंदर में बचेगा ln 3 प्लस ln x ln y, ये थर्ड हो जाएगा। एंड इसमें भी बेस लॉग ले लो बेस ई का, तो ये आ जाएगा एल एन एक्स इंटू एल एन थ्री इज इक्वल टू एल एन वाई इंटू एल एन टू, क्लियर। अब ये देख लो एल एन एक्स एल एन वाई में एक इक्वेशन, एंड ये भी एल एन एक्स एंड एल एन वाई में दूसरा इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं क्या। ये देखो ln y यहां से कितना आ जाएगा, ln x into ln 3 upon ln 2, तो ln y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो फर्स्ट थर्ड में, तो पूरा इक्वेशन ln x में बनेगा एंड सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ln y की जगह पे पुट करते हैं, थर्ड में क्या किया है हमने, इसमें log लिया है, ये देखो इसमें जब तुम ln लोगे तो ये 2x की पावर में ln 2 था, तो ln 2 तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये क्या है ln 2x, तो इसमें m into n वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो ln 2 plus ln x, क्लियर। यस सर, तो ये आ जाएगा। और हमें x नॉट की वैल्यू चाहिए थी, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ln y को ln x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पहले थर्ड में पुट कर दे रहे हैं। तो इसमें जब तुम पुट करोगे तो ये देखो यहाँ पे ये ln 2 का स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ln 2 इनटू ln x, इधर आ जाएगा ln 3 का स्क्वायर ln 3 इनटू ln 3 इनटू ln x अपॉन ln 2, ये आ जाएगा। एक तरफ लेके आ जाओ, ये ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, यहाँ पे ये ln 2 इंटू ln x माइनस ln 3 का स्क्वायर 12 ln x अपॉन ln 2, तो इसमें देखो LCM ले लो तुम इन दोनों में,
तो वो आ जाएगा एल एन टू का, मतलब कॉमन ले लो एल एन एक्स कॉमन आ जाएगा, एन अंदर में एलसीएम ले लोगे एल एन एक्स बाहर, यहाँ पे आ जाएगा एल एन टू का स्क्वेयर माइनस एल एन थ्री का स्क्वेयर अपॉन एल एन टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखो क्या कॉमन आएगा, एल एन टू का स्क्वेयर माइनस एल एन थ्री का स्क्वेयर, ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, एन अंदर में बचा रहेगा वन प्लस एल एन एक्स अपॉन एल एन टू, क्लियर। तो ये तो जीरो होगा नहीं, जीरो इसको होना पड़ेगा, तो एल एन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एल एन टू, दैट इज एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाई टू, और यही हमारा एक्स नॉट है, क्लियर। यस सर। यस सर। ठीक है सर, एक्स नॉट मतलब क्या सर? वही सोल्यूशन, एक्स नॉट एंड वाई नॉट विच आर सॉल्विंग द इक्वेशन, दोनों को सर, मतलब दोनों को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे वहां से जो एक्स एंड वाई आएगा, तो एक्स है एक्स नॉट एंड वाई है वाई नॉट, ये है बोलना था। ठीक है, ओके सर। बेस टेन का लोगे तो फिर वो फैक्टराइज होता हुआ नहीं दिखेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो बेस ई है, तो लॉग लोगे तो बेस टेन और ई में वो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे क्या करे, तो जो भी बेस वहां पे क्वेश्चन में दिख रहा है वही लेना है हमें, उसी बेस का लॉग लेना है। ठीक है, एट चेट कितना डाउट है तनिषा, ठीक है देख लो यहाँ पे एट, ये वो इनफाइनाइट पैटर्न वाला नहीं दिख रहा है क्या क्वेश्चन, अंदर में देखो सेम चीज मिलती चली जा रही है, यस सर। तो देखो चलो पहले अंदर वाले को डील करते हैं हम, इसको मान लो ये टी ले लेते हैं, टी इज इक्वल टू, तो अगेन ये जो अंदर में बन रहा है उसको टी बोल सकते हैं क्या हम? यस सर, लिख सकते हैं ना उसको, क्योंकि अगर इस पूरे को तुम टी मानोगे तो अंडर रूट इसके अंदर फिर ये फोर माइनस वन बाई थ्री रूट टू, इसके अंदर अगेन वही फोर माइनस वन बाई थ्री रूट टू मल्टीप्लीकेशन चलता जाएगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ, अगेन अंदर में एक टी ही दिख रहा है हमें, क्योंकि आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो उसमें से एक क्वांटिटी निकाल भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगेन आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसको हम ये आगे वाले को अगेन एक टी लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो स्क्वेयर कर देंगे, टी स्क्वेयर फोर माइनस टी बाई थ्री रूट टू, अब एलसीएम वगैरह लेते हैं तो ये थ्री रूट टू टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस ट्वेल्व रूट टू इज इक्वल टू जीरो, यहां से टी इज इक्वल टू माइनस माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस फोर इंटू थ्री रूट टू इंटू ट्वेल्व रूट टू अपॉन सिक्स रूट टू आ जाएगा, है ना, तो टी इज इक्वल टू माइनस वन, यहां पे बताओ माइनस साइन ले सकते हैं क्या हम, बोलो? नो सर। क्यों? सर अंडर रूट पॉजिटिव, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब टी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे भी प्लस लेंगे और अंदर में देखो क्या बन रहा है वन प्लस ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 144 इंटू टू तो 288, मतलब 288 आ रहा है सिक्स रूट टू, तो माइनस वन प्लस 17 अपॉन सिक्स रूट टू, तो ये देखो t इज इक्वल टू कितना आ गया 4 थोड़ी 16 है ना, तो 8 बाई थ्री रूट टू आ गया, आया ना? Yes, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना कैलकुलेशन मिस्टेक, एक बार देखो इसमें ये t स्क्वायर वगैरह ये सब, फिर ये 288 बनेगा
288 प्लस 1289 वो 17 का स्क्वायर तो 16 बाय दिस. अब इससे डिवाइड करेंगे तो टी इज इक्वल टू ये यहाँ ये आ जाता है 8 अपॉन 3√2. तो उसको पुट कर देते हैं वहां पे. तो ये देखो ये 6 प्लस लॉग बेस 3 बाय 2 एंड ये 1 बाय 3√2 इंटू टी था तो टी की जगह पे 8 बाय 3√2. तो ये 6 प्लस लॉग 3 बाय 2 ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 अपॉन 9 इंटू 2 तो मीन्स 4 अपॉन 9 आ जाएगा है कि नहीं. तो यहाँ पे देख लो ये 2 बाय 3 का स्क्वायर है तो ये 2 बाय 3 3 बाय 2 का क्या है रेसिप्रोकल है कि नहीं. तो यहां से जो वैल्यू आएगी पहले उसको रेसिप्रोकल बना 3 बाय 2 की पावर में ये माइनस 2 आ जाएगा ये 3 बाय 2 तो यहां से माइनस 2 बाहर एंड लॉग 3 बाय 2 बेस 3 बाय 2 1 तो 4 आंसर है. क्लियर? यस सर. 10th स्लाइड तुम अभी ये लिखना स्क्रीनशॉट लेते जाओ ठीक है. डिस्कशन है उसमें भी अगर सॉल्यूशन लिखना तो डिस्कस ही नहीं हो पाएगी सारी चीजें तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ ठीक है जितना पॉसिबल हो सके क्योंकि डिस्कशन तो जल्दी जल्दी करेंगे तो ही तो सारी चीजें डिस्कस हो पाएगी हमारी. ठीक है या तो फिर देख लिया करो अच्छे से एंड देन घर पे फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना उसको खुद से जो देखा हो वहां से वरना रिकॉर्डेड देख लेना. रिकॉर्डेड तो डाल ही दूंगा मैं इसका तो इसका आंसर 4 आ रहा है 8 का. फिर उसके बाद 9th में देखो दोनों तरफ लॉग लेना होगा ये तो क्लियर हो रहा है ऑप्शन से और कौन से बेस का ले बताओ. सर एक बार 3 एक बार 4 एक बार 3 का एक बार 4 का तो पहले 3 का ले लेते हैं तो ये x मतलब बेस 3 का लॉग ले रहे हैं तो x मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एंड लॉग 3 बेस 3 1 यानी यहां पे आ जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में एंड ये लॉग 4 बेस 3 ठीक है. तो ये देखो अब यहाँ पे x ये 2 बाहर x माइनस 1 टू लॉग 2 बेस 3 तो x वाली चीज x वाली टर्म को एक तरफ लेके आना है तो ये x इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग 2 बेस 3 माइनस 2 इंटू लॉग 2 बेस 3 तो इस माइनस को इधर लेके जब आ जाएंगे तो 2 इंटू लॉग 2 बेस 3 इज इक्वल टू 2 लॉग 2 बेस 3 x माइनस x तो यहां से देख लो x बाहर आ जाएगा और अंदर में बचा है 2 log 2 बेस 3 माइनस 1 तो x इज इक्वल टू आ जाता है 2 log 2 बेस 3 अपॉन 2 log 2 बेस 3 माइनस 1. तो ये क्या मैच हो रहा है क्या ये ऑप्शन के साथ हो रहा है. yes, sir. है ना तो ये अगर आंसर आ रहा है तो d आ पाएगा क्या. No, नहीं आ पाएगा. फिर उसके बाद बी एंड सी में से डिसाइड करना है तो अब हम लेंगे बेस 2 का लॉग ठीक है कर लोगे आप. यस सर. एंड बेस 2 के लॉग को हम बेस 4 का भी बना सकते हैं तो वो बी एंड सी तुम चेक कर सकते हो. फिर उसके बाद 10th ठीक है 10th हो गया. फिर पार्ट 2 फर्स्ट
सेकेंड अब जीपी में अगर होते तो ध्यान रखना एक प्रॉपर्टी बता देते, जैसे एपी में हमने कल देखा एबीसी अगर एपी में है तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो, बी माइनस ए टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये लिख सकते हैं अगर ये एपी में होते हैं तो। यस सर। ऐसे अगर ये जीपी में रहेंगे तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है लॉग ए बेस एक्स, सेकेंड टर्म है ए की पावर में एक्स बाय टू, एंड थर्ड टर्म है लॉग एक्स बेस बी आर इन जीपी, तो इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो ये देख लो ए की पावर में एक्स बाय टू इज इक्वल इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स इंटू लॉग एक्स बेस बी, तो इसमें लगा दो बेस चेंजिंग थ्योरम ताकि वो क्या हो जाएगा log x कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है log x कैंसल आउट हो जाएगा एंड वहां से क्या मिलेगा ये पहले तो देख लो ये की पावर x मिलेगा यहाँ पे log a अपॉन log x एंड log x अपॉन log b, तो ये तो गया a की पावर x इज इक्वल टू ये log a अपॉन log b, तो उसका अगेन एक सिंगल log हम बना सकते हैं log b बेस है सॉरी log a बेस b है कि नहीं log a बेस b। अब हमें x चाहिए था तो दोनों तरफ अगेन log ले लेंगे बेस a का, तो ये देखो log बेस है और उसके अंदर की क्वांटिटी क्या है log a बेस b, क्लियर है x क्या आता है अब बोलो। ये gp में है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो वो लगा दिया फिर यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम, फिर उसके बाद रिवर्स बेस चेंजिंग थ्योरम से ये बन गया। अब x के लिए दोनों तरफ log ले लिया बेस a का। सेकेंड स्टेप कौन सी ये वाली? नो सर। फिर सर वो नीचे की। अरे अभी तो बोला याद तो रखो अभी पढ़ेंगे ना हम gp, ये किस लिए बताया मैंने, ये अगर जीपी में होते हैं तो इसका स्क्वायर इन दोनों के इक्वल आता है। जब जीपी आएगा तो बताऊंगा कैसे आता है, अभी के लिए तो देख लो ना ये याद कर लो। यस सर थैंक यू सर। फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेन एट, एट में क्या हो गया, एट में क्या दिक्कत आई ये बताओ तुम, ये क्वेश्चन तुम्हारे उसमें भी आया हुआ है एफ सेक्शन एफ में कहीं पे, तो मतलब एक ही क्वेश्चन तुम वहां पे डाउट ने पूछा और यहाँ पे पूछ रहे हो, इसका मतलब वहां पे सॉल्व नहीं किया होगा, नहीं किया ना, ये शायद मैंने क्लास नोट्स में भी लिया है, लिया है क्या ये वाला क्वेश्चन? यस सर ऐसे टाइप का, ऐसे टाइप का नहीं यही था मेरे ख्याल से, क्या है दोनों का पहले क्या करेंगे इसको बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे बेस सेम करेंगे, बेस सेम के पहले क्या करेंगे इनइक्वलिटी है इसके पावर को डिफाइन करें, पावर नहीं रे लॉग को डिफाइन करेंगे, बोलो ना पावर कहाँ पे दिख रही तुम्हें लॉग को। यस सर। तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इनइक्वलिटी के ऊपर आ जाते हैं क्या करें? यस सर फिर जो इनइक्वलिटी से सॉरी लॉग बेस 0.3 एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन लॉग एक्स माइनस वन बेस 0.0, फिर सर जो इनइक्वलिटी में 0.09 है उसको 0.3 का स्क्वायर भी
तो पता तो है सब कुछ, तो पूछा क्यों यहाँ पे तुमने, कहाँ पे डाउट आया तुम्हें, डाउट कहाँ पे आया? सर वो इंटरवल गलत आ रहा था। सॉल्व करो ना फिर अच्छे से। यस सर। तू गलत आएगा, मतलब दिख रहा है वो 0.3 का स्क्वायर है, फिर वहां से 2 बाहर आएगा तो 1/2, उस 2 को इधर भेजेंगे, फिर इसके पावर में चढ़ाएंगे, लॉग हटेगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एंड सॉल्व करना है फिर। यस सर। नाइन्थ, टेंथ, तो टेंथ में देख लो क्या है। एक्स में एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
that can be formed. Y is subset of x and z is subset of x. अच्छा ये इसको अभी रहने दो, मैंने उस टाइम पे ही शायद कहीं पे तो बता, तुम्हारे बैच में ही बताया था क्या कि ये पीएलसी का कंसेप्ट लगता है इसमें? यस सर। हाँ इसमें अभी रहने दो, वो देखेंगे हम जो पीएनसी पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे। या तो चलो सुनी लो क्या करते हैं, जैसे x है, सुनो यहाँ पे वो पीएनसी में फिर से देखेंगे। इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, ये y x का सबसेट है एंड z भी x का सबसेट है। तो यहाँ पे देखो एक एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहले हम वो वेरीफाई करते हैं। ये वन एलिमेंट y में आ जाए वो एक पॉसिबिलिटी है, फिर ये वन z में आ जाए ये एक पॉसिबिलिटी है, या ये वाला एलिमेंट दोनों में आ जाए ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। ये इसका मतलब है वो सिर्फ y में है, ये तरीका सुन लो, ये सिर्फ y में है इसका मतलब ये सिर्फ z में है, या फिर वो दोनों में है या फिर दोनों में नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसे भी सबसेट बन सकते हैं x के कि जिसमें वन नहीं आ रहा है, बन सकते है? तो जब हम x के सबसेट्स बना रहे y एंड z, तो x में जो एलिमेंट्स है उनको जब हम बांटेंगे y z में, तो हर एक एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? चार। चार। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो y इंटरसेक्शन z एम्प्टी दिया गया है, फाइव है, तो इसका मतलब बताओ एक एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट हो सकता है क्या एट अ टाइम? नो सर। नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? थ्री पॉसिबिलिटीज है। तो ये देखो इसके लिए तीन, इसके लिए तीन, इसके लिए तीन, तीन, तो ऐसा थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री पांच बार मल्टीप्लाई होगा एक और बार, तो ये थ्री की पावर फाइव इसका आंसर है। ठीक है? यस सर। वैसे ही अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता y इंटरसेक्शन z एम्प्टी, तो फिर वो कितना आंसर आ जाता? 4 की पावर 5 आ जाता। और फिर अगर ये बोला रहता साथ ही साथ ये दिया रहता y इंटरसेक्शन z 5 एंड y यूनियन z इज इक्वल टू x, अब बताओ अब क्या ये वाला हो सकता था क्या? दोनों में नहीं है ये वाली पॉसिबिलिटी सर, 2 की पावर 5 आ जाता है कि नहीं, ये वाली पॉसिबिलिटी हट जाती। तो क्लियर है इसके वेरिएशंस कैसे कैसे हो सकते हैं? यस सर। फिर 12th में क्या हो गया, ये 1 आ रहा है, ये कब कब पॉसिबल रहेगा बताओ? ये इसमें पावर 0 हो जाए तब ये 1 आ सकता है,
है कि नहीं? तो ये पावर जीरो हो जाए तो ये देखो yes, फैक्टराइज कैसे होगा, अब ये 60 आ रहा है ना और यहाँ पे 4 क्या आते इसके, ये माइनस 10 एंड 6 आ जाएगा, माइनस 10 एंड 6। फिर उसके बाद जब ये 1 आएगा, जब ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ये 1 आएगा, तब भी तो 1 की पावर में कुछ भी लेने पे हमें 1 ही मिलने वाला है कि नहीं? Yes, sir. फिर देखो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 एंड 4। एंड ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ये माइनस 1 हो जाए एंड उसके लिए ये इवन इंटीजर आ जाए, हो सकता है ये पॉसिबल? यस सर, यस सर। एंड x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 एक इवन इंटीजर रहे, ठीक है? तो ये देखो अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 एंड 3। यही नहीं है आंसर, अब फाइनल आंसर नहीं है, अब हमें उसके लिए ये चेक करना पड़ेगा क्या ये इवन आता है क्या। तो 3 पुट करने पे इवन आता है क्या, बोलो? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इवन आता है क्या? यस सर, 3 पुट करने पे? नो सर, नहीं आता, नहीं आता है। ये 9 प्लस 12 माइनस 60 इवन नहीं आएगा, तो ये नहीं ले सकते, सिर्फ यहाँ से ले सकते हैं 2, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो अब इनको क्या करना है, जो भी करना है वो करो, सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, तो अब आ जाएगा सम, ठीक है? फिर उसके बाद 13 14, चलो तो ये हो गया खत्म FOM 1। अब क्वाड्रेटिक, जल्दी से क्वाड्रेटिक में भी क्या चल रहा था अपना, सर पार्ट 3 के लास्ट 2 डाउट्स, एक मिनट बस, क्वाड्रेटिक कहाँ गई मॉड्यूल, ठीक है? क्वाड्रेटिक के मॉड्यूल्स ओपन कर लो, पार्ट 3 हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे, लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस बाकी थे, वो देख लेते हैं देन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पार्ट 3 में वो लैम्डा वाला चल रहा था, वो बन गया क्या घर पे, फिर जो हिंट दी थी उसके बेसिस पे 20 वाला तो पूछा ही नहीं था किसी ने। चलो देखो अब मल्लार, 20 में क्या है कि x स्क्वायर प्लस ax प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस bx प्लस 15 इज इक्वल टू 0, एंड x स्क्वायर प्लस a प्लस b इनटू x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 हैव कॉमन पॉजिटिव रूट। इसका मतलब ये अल्फा बीटा, फिर अल्फा गामा एंड अल्फा डेल्टा, एक कॉमन पॉजिटिव रूट ले लिया तीनों में, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ रहा है माइनस है एंड अल्फा इंटू बीटा 12, यहाँ पे अल्फा प्लस गामा माइनस बी अल्फा इंटू गामा 15, यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा माइनस है प्लस बी एंड ये कितना आ जाएगा अब अल्फा इंटू डेल्टा 36। अब अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो भी हमें मिलने वाला है,
तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, फिर इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो, ये मिलेगा ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ये फर्स्ट है मान लो, ये सेकेंड है एंड ये थर्ड है, इन दोनों को ऐड करते हैं, थर्ड को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड करने पे ये ए अल्फा बी अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा, दिख रहा है? यस सर। यहाँ पे टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो कितना बचेगा अल्फा स्क्वायर, एंड ये 12 प्लस 15 आता है, कितना आ जाता है ये 27, 27 माइनस 36 तो माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3, लेकिन वो कॉमन रूट कैसा है, पॉजिटिव है, तो अल्फा कितना आएगा 3, क्लियर? तो अल्फा एक बार हमें 3 मिल गया, तो अब तो बीटा देखो 4, गामा 5, डेल्टा 12, इन तीनों का सम देख लो, फिर उसके बाद जो भी दिया गया है वो निकाल सकते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद 21, चलो ठीक है, पार्ट 4, पहला कॉम्प्रिहेंशन। 22 भी है क्या? इधर तो 21 ही दिख रहा मेरे इसमें। 22 क्वेश्चन बताओ तो क्या है? अच्छा हाँ, वो एक पी ऑफ वाला क्वेश्चन, हाँ ये पुरानी मॉड्यूल मैंने ओपन कर ली है, चलो उसको लास्ट में डिस्कस करते हैं हम ठीक है, वो डाउट मुझे भेज देना मोबाइल पे, डिस्कस कर लेंगे उसको, तब तक फिर वो पार्ट 4 एंड वो एक्सरसाइज 3 देख लेते हैं। पार्ट 4, पहला कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड, हाँ ठीक है, 21 किसका डाउट है, तनिषा, 21 में तनिषा, ये देखो ये पहला वाला जो था, जो हिंट मैंने दी थी वहां पे, उसका डी लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, तो वो लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब उसके रूट्स इमेजिनरी है, मीन्स अगर एक रूट कॉमन हो गया तो दूसरा अपने आप कॉमन हो जाएगा, है ये जो था क्यूबिक 4x³ 3x प्लस 2c इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे बोला गया है कि एक रूट कॉमन है तो दूसरा अपने आप कॉमन हो जाएगा, देखो ठीक है, तो यहां पे देख लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ रहा है माइनस लैम्डा, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ रहा है कितना 1, एंड यहां पे अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना आ जाता है 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ 3 ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस सी बाई 2, ये आएगा है कि नहीं, ये आ जाएगा, एंड यहां पे देख लो अब तुम, ये जो है गामा कितना आ रहा है, अल्फा बीटा 1 है तो गामा आ जाएगा माइनस सी बाई 2, है कि नहीं, गामा आ जाएगा माइनस सी बाई 2, एंड यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस लैम्डा है तो गामा एक तरीके से माइनस लैम्डा भी आ जाएगा, प्लस लैम्डा, बोलो। यस सर। तो लैम्डा हमें मिल गया, गामा मिल गया लैम्डा एंड गामा माइनस सी बाई 2 भी मिल गया, तो अब क्या करें, हमें लैम्डा प्लस सी चाहिए था ना, ये दोनों तो चलो इक्वल आ गए, क्या आ गया, ये लैम्डा इज इक्वल टू माइनस सी बाई 2, दैट इज सी इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, ये मिल गया ठीक है।
अब उसके बाद ये लैम्डा इसका रूट है दूसरे वाले का, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमें मिल जाएगा, एक मिनट, इसमें लैम्डा प्लस सी चाहिए था और ये आ रहा है, एक रूट कॉमन हो गया तो दूसरा अपने आप कॉमन हो जाएगा, सी में कन्वर्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, हाँ इसमें चलो पुटी कर देते हैं, लैम्डा जैसे रूट है ना तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू कितनी माइनस सी बाई टू, इसमें पुट करो, लैम्डा रूट है या तो माइनस सी बाई रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां से हमें मिलेगा ये 4 इंटू माइनस सी क्यूब बाई 8, फिर उसके बाद क्या है माइनस 3c बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 0। अब यहां से तो c निकल जाएगा, देख लो ये एक तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सी क्यूब बाई 2 माइनस 3c बाई 2 प्लस 2c, तो इसको जब सॉल्व माइनस सी क्यूब बाई 2 प्लस सी बाई 2 ये आ जाएगा, तो यहां से सी कॉमन आ जाएगा एक सी बाई 2 एंड अंदर में बचा रहेगा 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये तीन वैल्यूज आएगी। अब सी तो 0 होगा नहीं, या हो सकता है सी अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, लैम्डा भी 0 हो जाएगा, कॉमन रूट सी एक 0 आ रहा है एंड सी प्लस माइनस 1, तो यहां पे लैम्डा भी 0 हो जाएगा एंड ये सी इज इक्वल टू 1 जब लेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 एंड सी जब माइनस 1 लेंगे तो लैम्डा, ये सी जब 0 तो ये आ रहा है, ये जब सी 1 तो ये आ रहा है, सी जब माइनस 1 तो लैम्डा आ रहा है 1 बाई 2 एंड सी 0 नहीं हो सकता है। हाँ ये देख लो, सी अगर 0 ले लिया तो दिक्कत क्या हो जाएगी वो देख लेना, ये पहला वाला लैम्डा भी 0 आ जाएगा फिर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन ये, एंड दूसरा आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो यहां से जब तुम रूट निकालोगे तो कोई रूट कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वजह से सी 0 नहीं हो सकता है, तो ये हट जाएगा, तो बचता कौन सा है, सी इज इक्वल टू 1 तो लैम्डा माइनस 1 बाई 2 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 1 तो लैम्डा 1 बाई 2, अब ऐड कर लो इनको, ठीक है। Yes, sir. फिर उसके बाद वो सेकेंड देखो, कंप्रिहेंशन 1 में सेकेंड, कंप्रिहेंशन 1 में सेकेंड जब हम देखेंगे तो उसमें p ऑफ x गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 एंड q ऑफ x गिवन है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 25। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ वर्टिकल आएगा एंड इसके कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस b बाई 2a रहता है ना, माइनस 6 बाई 8, तो माइनस 3 बाई 4 कॉमा, इसका डी निकाल लो, डी जब निकालोगे तो 36 माइनस 64, तो ये आ जाएगा माइनस 28 डिवाइडेड बाय माइनस डी बाई 4 होता है ना, तो माइनस 28 माइनस माइनस प्लस 28 अपॉन 16, तो वो आ जाएगा 7 बाय 4, ये क्लियर है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे और ये वाला ग्राफ बनेगा एंड इसमें भी ग्राफ अपवर्ड ही आएगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जब निकालोगे तो 12 अपॉन 8, तो 12 अपॉन 8 हो जाएगा 3 बाई 2 एंड इसका डी निकालो, डी जब निकालोगे तो 144 माइनस 25 400, तो ये डी इज इक्वल टू माइनस 256,
तो माइनस डी बाई फोर ए करेंगे तो वो 16 आ जाता है. एंड यहाँ पे हमें गिवन है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 28. तो ये बताओ पी ऑफ एक्स की रेंज क्या है, पी ऑफ एक्स की रेंज 7/4 to infinity. एंड क्यू ऑफ ए पी ऑफ वाई की जो रेंज है वो है 16 to infinity. अब इन दोनों का प्रोडक्ट 28 है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब पी ऑफ एक्स 7/4 हो जाए एंड ये 16 हो जाए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. और इनके अलावा अगर हम कोई दूसरी वैल्यू लेंगे उसके रेंज की, तो फिर वैल्यू 28 से बड़ी आएगी. इन दोनों का प्रोडक्ट 28 से बड़ा आएगा. प्रोडक्ट 28 तभी आ पाएगा जब पी ऑफ एक्स 7/4 होगा एंड क्यू ऑफ वाई 16 होगा. मिनिमम होगी इनकी वैल्यूज, ठीक है? अब ये कौन से एक्स के लिए 7/4 होता है? -3/4. और ये कौन से वाई के लिए 16 होता है? 3/2. तो वही एक्स एंड वाई वहां पे पुट कर देने हैं और हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी 11y - 26x. क्लियर है क्वेश्चन? बढ़िया. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहा जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, मतलब जो बाउंड्री पे सेटिस्फाई होते हैं. जैसे इसमें लोअर बाउंड्री पुट करने पे ही वो सेटिस्फाई होगा, उसके अलावा अगर कुछ लेते हैं तो वैल्यू 28 से बढ़िया आएगी. फिर सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड कॉम्प्रिहेंशन. चलो थर्ड अब देख ही लो बाय क्वाड्रेटिक, उस वक्त मैंने नहीं बताया था. तो थर्ड क्वेश्चन या कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन तो आसान है ना, डायग्राम. ये देखो जो पैराबोला गिवन है, इसका इक्वेशन है यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ. बोलो c 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. फिर उसके बाद ये रूट से अल्फा बीटा ए एंड बी रूट्स है, ठीक है? अल्फा बीटा ले लेते हैं, ये अल्फा और यहाँ पे बीटा. एंड फिर उसके बाद ये बोला गया है ट्राइंगल, ये अभी पॉइंट ही रख लो, ये यहाँ पे ओ है. एंड बोला गया है कि ओबीसी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. मतलब अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ तुम क्या आएंगे बी के. ये यहाँ पे ओ, ये पॉइंट है सी, तो ओसी इज इक्वल टू ओबी हो जाएगा. तो जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो सी कॉमा जीरो हो जाएंगे, क्योंकि OB लेंथ एंड OC लेंथ सेम है, लेकिन ये लाई कर रहा है y एक्सिस के ऊपर तो 0, c और ये x एक्सिस के ऊपर तो c, 0. एंड उसके बाद यहाँ पे बोला गया है AC इज मीडियन, ये मीडियन है. मतलब ये एक एक तरीके से OB को क्या करेगा, बाइसेक्ट. इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे c/2, 0. क्लियर? यस सर. तो इस इक्वेशन के रूट्स बताओ क्या आ गए. क्या मिल गए, 1 and 2. क्लियर? यस सर. चलो फिर उसके बाद थर्ड कॉम्प्रिहेंशन. किया है क्या सॉल्व? बताओ. थर्ड कॉम्प्रिहेंशन चलो तो सुन लो. थर्ड कॉम्प्रिहेंशन बाय क्वाड्रेटिक के जब क्वेश्चंस आएंगे, जनरली आते नहीं है, लेकिन अगर आ गए
तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? लोकेशन ऑफ रूट हम लोगों को आता है कि नहीं? आता है ना लोकेशन ऑफ रूट? यस सर। तो यहाँ पे इसका हम एक एक्सप्रेशन बना लेंगे, x की पावर 4 माइनस लैम्डा x स्क्वायर प्लस 9, एंड थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे t। तो ये बताओ, जब हम t की एक वैल्यू लेंगे तो हमें x की कितनी वैल्यूज मिलेगी? दो वैल्यूज मिलेगी, एंड वो दोनों वैल्यूज रियल कब होगी? जब t कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब एक t के वैल्यू के लिए दो x की वैल्यूज हमें मिलने वाली है, लेकिन वो दोनों वैल्यूज रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। और दोनों वैल्यूज रियल का मतलब है t कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। तो दोनों जो x की वैल्यूज आएगी वो रियल रहेगी, एंड t अगर लेस देन जीरो रहेगा तो दोनों वैल्यूज कैसी रहेगी? Imagine. इसी पॉइंट की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। या तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो, x स्क्वायर की जगह पे t पुट किया तो t किसके बीच में लाई करेगा? 0 टू इंफिनिटी। तो इसके बीच में तुम कोई भी t ले लो, हमें x की कैसी वैल्यू मिलने वाली है? रियल। रियल। और कितनी मिलेगी? दो। दो। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, f of x इस तरीके का गिवन रहता है, x square plus 1 by x square का square minus x square plus 1 by x square plus 1, इसमें भी वही पैरामीटर वगैरह दे देते हैं, लैम्डा की वैल्यू पूछते हैं। तो हमें क्या करना होता है, x square plus 1 by x square की जगह पे t पुट करना होता है। तो इसमें देखना होता है कि टी किसकी, इसकी रेंज क्या आती है वो देखना होता है। इसकी जब रेंज निकालोगे तो वो आ जाती है क्लोज 0 टू 1 ओपन, ठीक है? इसके बीच में तुम कोई भी टी ले लो तो हमें एक्स की रियल वैल्यूज मिलने वाली है, एंड कितनी रियल वैल्यूज मिलेगी? तो दो। क्लियर है? तो इस तरीके से पाई क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे तुम्हें, तो ध्यान रखना उसमें कैसे अप्रोच करना है। अभी तो ये x square is equal to 2 t है, तो जो t की रेंज आएगी वो क्या है? 0 to infinity। इसका मतलब अगर इसके बीच में कोई t लिया तो हमें x की रियल वैल्यूज मिलने वाली है। तो ये देखो, अब f of x is equal to ये क्या बन जाएगा, t square minus lambda t plus 9। पहला पार्ट देखो क्वेश्चन का, if equation has 4 real and distinct roots, तो इसका मतलब t की हमें कैसी वैल्यूज मिलनी चाहिए, दोनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए टी की? रियल। अरे रियल तो होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए ना, जीरो टू इंफिनिटी के बीच वाली। टी की यहां से दो वैल्यूज आने वाली ना, टी में क्वाड्रेटिक है तो, और दोनों की दोनों वैल्यूज अगर हमने पॉजिटिव ले ली तो उनके करस्पॉन्डिंग एक्स की हमें चार वैल्यूज मिलेगी, एक टी के करस्पॉन्डिंग दो एंड दूसरे के करस्पॉन्डिंग दो, और वो चारों के चारों रियल आएगी जब हम टी को लेते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। यस सर। देख लो, इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए, एंड हम इक्वल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इक्वल लेंगे तो क्या हो जाएगा, चारों के चारों डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेगी क्या हमें एक्स की? सेम रहेगी। मतलब मान लो टी इज इक्वल टू 1 एंड टी इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो चारों रियल वैल्यूज थोड़ी है, डिस्टिंक्ट थोड़ी है, रियल तो है लेकिन डिस्टिंक्ट थोड़ी है। हमें तो रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला गया है, तो इसमें वो टच करता हुआ ग्राफ नहीं आ सकता है। इसमें बस क्या रहेगा, दो जगह पे कट करता हुआ ग्राफ ही रहेगा, एंड ये दोनों की दोनों जो टी की वैल्यूज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो उसके लिए ये ग्राफ आएगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो, फिर उसके बाद f ऑफ जीरो पॉजिटिव, एंड थर्ड में क्या होता है बताओ, माइनस b बाई टू है ग्रेटर देन जीरो,
फाइनली इन तीनों का क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर है पाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, तो बाकी के दोनों कर लेना, ठीक है, नहीं आते तो बाद में फिर से डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन फोर, और उसकी हिंट देखो क्वेश्चन में गिवन है कॉम्प्रिहेंशन फोर की, तो उसी को देख के करना था। बस वहां पे क्या होना चाहिए था, जो हिंट है उसमें x की पावर इवन से शुरुआत होती है 2m से, तो पहले वाले में तो एट वाले में तो बहुत इजीली बन जाएगी चीज है, एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 10x प्लस 26 माइनस 10 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लेंगे, ये माइनस 10 कॉमन लेके एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अभी एक्स प्लस 1 बाय एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 2 है कि नहीं इसकी जगह पे। तो देखो एक्स प्लस 1 बाय एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया, उसकी जगह पे टी पुट करके ये सॉल्व हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में हिंट, उसमें कॉम्प्रिहेंशन में हिंट है। लेकिन जो नाइन्थ है, जो टेंथ है, पहले नाइन्थ है, उसमें देखो पावर कैसी है, नाइन एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, इसमें पावर ऑड है तो डिवाइड करने वाला तो तरीका अभी नहीं लग पाएगा, तो इसका एक रूट बताओ तुम क्या है। One. कोएफिशिएंट का सम जीरो आता है, वैसे ऑप्शन देख के भी तुम डिसाइड कर सकते हो, हर एक जगह पे वन दिख रहा है, इसका मतलब इसमें जरूर कोएफिशिएंट का सम जीरो आ रहा होगा, तो वो देखो आता है। एंड जब दूसरा फैक्टर तुम निकालोगे तो वो कितने डिग्री का आएगा, फोर। तो उसमें अब ये वाला तरीका लगाना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे एंड सो, ठीक है। एंड जो टेंथ है अनुज का, देख लो टेंथ में डाउट है तुम्हें, तो x की पावर 6 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें किससे डिवाइड करेंगे बताओ, बोलो। x की पावर 2 में तो x की पावर m से, x की पावर 6 है तो x क्यूब से, माइनस 4x, ये 4 बाय x माइनस 1 बाय x क्यूब, तो ये देखो x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब ये आ जाएगा। यहाँ पे 4 कॉमन, माइनस 4 कॉमन ले लो, एंड x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको भी हमें x माइनस 1 बाय x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 बाय x का क्यूब माइनस प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स, बोलो। यस सर, यस सर। तो अब देखो x माइनस 1 बाय x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, t, तो ये आ जाएगा t क्यूब, ये देखो ये x x कैंसिल आउट होके 3t एंड माइनस 4t इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज हो जाएगा एंड सॉल्व कर लो, ठीक है। यस सर। सर हाँ सर, वो x की पावर 3 क्यों डिवाइड किया लेकिन हमने, ये कॉम्प्रिहेंशन तुमने पढ़ा नहीं, पढ़ा है क्या? यस सर पढ़ा अभी। ओ x की पावर 2m था तो किससे डिवाइड कर रहे थे, हाईएस्ट पावर 2m है ना, तो डिवाइड किससे किया जा रहा है, x की पावर m से, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 6, उसका आधा कितना होगा, तो उससे डिवाइड करो, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये तरीका लगे ये जरूरी नहीं, ठीक है, डाटा को ऑब्जर्व करना होता है, यहाँ पे ये इस तरीके की चीजें बननी चाहिए, ये x माइनस 1 बाय x में पॉलिनोमियल या तो x प्लस 1 बाय x में पॉलिनोमियल, तभी ये डिवाइड वाला तरीका है। मान लो कोई 6 डिग्री का इक्वेशन गिवन है, उसमें ये बन ही नहीं रहा है और हम उसको जबरदस्ती क्यूब से डिवाइड करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है, डाटा को ऑब्जर्व भी करना होता है। मतलब एक तरीके से क्या ऑब्जर्व करना होता है, जो कोएफिशिएंट्स है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, वो सेम होने चाहिए। जैसे देखो पहली टर्म का कोएफिशिएंट 1, लास्ट वाली का
मतलब उनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड्स के टर्म्स में बात करते हैं, माइनस वन का मैग्नीट्यूड वन आता है ना, तो वो वन, स्टार्टिंग से सेकंड का मैग्नीट्यूड फोर, एंड से सेकंड का फोर, इस तरीके के क्वेश्चन में फिर जा सकते हो तुम उससे, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, एक्सरसाइज थ्री, चलो इसको बाद में ही करते, हम लोग बहुत हो गया डिस्कशन, टाइम भी अब 10 मिनट ही बाकी है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं, ठीक है? ट्वेंटी टू नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की बाद में देख लेंगे, एक मिनट बस। ठीक है, आवाज आ रही है अब? यस सर। चलो वो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इन वो पी ऑफ एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एंड इक्वेशन पी ऑफ एक्स is equal to zero has a common root then which of the following statement is correct? तो यहाँ पे ये देख लो, मान लो ये जो p of x है, x square, मतलब p of x जो equation था, इसको simply ऐसे लिखते हैं, and ये जो equation है, इनमें एक common root है alpha, इसमें एक कॉमन रूट है अल्फा, तो यहां पे बताओ पी ऑफ अल्फा जीरो आ जाएगा, है कि नहीं, अल्फा रूट है तो, एंड yes. यहां पे भी ये पी ऑफ अल्फा जीरो आ जाएगा, है ना? अब पी ऑफ अल्फा बताओ कितना है, बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, अरे वो पी ऑफ अल्फा जीरो है ना, सीधा बोलो ना, वो कितना क्यों कर रहे हैं, पी ऑफ अल्फा जीरो है, तो ये P of 0, और P of 0 कितना आता है, अब इसकी हेल्प लेंगे, P of 0 कितना आता है, C. यहाँ पे P of C is equal to 0 आ गया, इसका मतलब C उसका एक रूट है, दिख रहा है? Yes. Yes, sir. अल्फा के साथ साथ C भी एक रूट आ रहा है ना उसका, तो ये देखो एक रूट अल्फा एक सी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट्स हो गए, एक तो कौन से, अल्फा एंड सी, तो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी, एंड अल्फा इनटू सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी, एंड अल्फा इनटू सी इज इक्वल टू सी, तो सी को कैंसल आउट मत करना, सी जीरो भी हो सकता है, तो उसको इधर लेके आ जाएंगे, तो सी कॉमन, अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो सी इज इक्वल टू जीरो एंड अल्फा इज इक्वल टू वन, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो ये बताओ जब सी जीरो हो जाएगा, इफ सी इज इक्वल टू जीरो,
तो बी कितना आएगा? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। इसमें द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो पॉजिटिव। वो पहला स्टेटमेंट तो सही हो ही रहा है, इफ पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। अच्छा, ऑप्शन वाइज देखते हैं अब। इसके बाद तो चलो, ये तो चलो हमें मिल गया, या तो यहाँ पे सी जीरो हो जाए या अल्फा वन हो जाए, एंड ये मिल गया। अब उसके बाद पहला ऑप्शन, इफ बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, देन बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सही है, दोनों पॉसिबिलिटीज को तुम वेरीफाई करो यहाँ पे। इफ सी इज इक्वल टू जीरो, एक रियल नंबर है, एक मतलब एक रूट रियल आ गया उसका, तो दूसरा रूट भी अपने आप रियल आ जाएगा। बोलो, है ना। एंड मान लो अल्फा इज इक्वल टू वन हो जाता है, सी इज इक्वल टू जीरो, एक रूट रियल, तो दूसरा रूट रियल आ जाएगा। एंड अल्फा इज इक्वल टू वन ले लिया, तो ये भी रूट कैसा आ रहा है, रियल आ रहा है, मतलब दूसरा भी अपने आप रियल हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स अगर होते तो वो किस में लाई करते, कंजुगेट पेयर्स में, है कि नहीं। बी एंड सी बिलोंग्स टू आर देने का मतलब है कोएफिशिएंट्स रियल है, तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर्स में लाई करेंगे। लेकिन हम दोनों पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं, सी जीरो, सी भी एक रूट है एंड अल्फा भी एक रूट है, तो सी अगर जीरो लेके चलते हैं तो एक रूट कॉमन आ जा रहा है, और मतलब एक जो रूट है वो रियल आ रहा है तो दूसरा रियल ही होगा। एंड जब अल्फा को वन लेकर चलेंगे तब भी एक रूट रियल है, तो दूसरा भी अपने आप रियल, एंड दोनों अगर ले लिए तब तो दोनों रियल, मतलब जीरो एंड वन रूट हो गए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्लियर है। फिर उसके बाद ये देखो, यहां पे एफ ऑफ सी, मतलब एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना आता है, मतलब बोलो, एफ ऑफ जीरो सी आता है, एंड वो यहाँ पे वन गिवन है, वो यहाँ पे वन गिवन है, तो इसका मतलब इन दोनों, हमें फाइनली इन दोनों का प्रोडक्ट तो जीरो चाहिए था, लेकिन अब क्वेश्चन में गिवन है सी इज इक्वल टू वन, तो रूट कौन सा होगा बताओ, अल्फा इज इक्वल टू वन है कि नहीं। अल्फा इज इक्वल टू वन रूट होगा, तो यहां से एफ ऑफ वन कितना आएगा, जीरो। ये क्लियर हो पा रही क्या चीज है यहां पे, या तो ये सेटिस्फाई हो सकता है ये भी, या तो ये, या दोनों, ये तीन पॉसिबिलिटीज है इसमें। या तो सी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, अल्फा वन ना हो, या तो अल्फा वन हो जाए सी जीरो ना हो, या तो दोनों हो जाए, सी भी जीरो है ना अल्फा भी वन हो, ये तीन चीजें यहाँ पे क्लियर। तो हर एक ऑप्शन के लिए ये तीनों को हमें वेरीफाई करना है। तो पहले ऑप्शन के लिए जब हमने देखा तो उसका जो डी है वो रियल आ जाता है, मतलब पॉजिटिव आ जाता है, तो रियल रूट्स। अब उसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ जीरो हमें वन गिवन है सेकेंड ऑप्शन में, एफ ऑफ जीरो, और क्वेश्चन में जब हम देखेंगे एफ ऑफ जीरो आता है सी, सी वन है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली अल्फा इज इक्वल टू वन ही हो रहा होगा, यही एक रूट आ रहा होगा उसका। क्लियर, समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे तीन चीज है, या तो सिर्फ सी जीरो हो जाए, या अल्फा वन हो जाए, या दोनों हो जाए, सी भी जीरो एंड अल्फा भी वन हो जाए, तो यहाँ पे तो सी वन है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तो अल्फा वन ही होगा बस, मतलब ये पॉसिबिलिटी आएगी। तो वन पी ऑफ एक्स का रूट हो गया, तो पी ऑफ वन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब क्लियर है अनुष्का या नहीं? सर वो पी ऑफ वन कैसे जीरो आएगा? क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू वन रूट है ना, इसके दो रूट्स है, हाँ एक सर तो समझ गया। अल्फा एंड सी, दो रूट्स है, ठीक है। और जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमें ये मिला, ये एक मिला,
एंड यहाँ पे सी इज इक्वल टू जीरो या तो अल्फा इज इक्वल टू वन ये मिला, तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज निकल के आती है, या तो सी जीरो हो जाए एंड अल्फा वन ना हो, ये एक पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या निकल के आती है, अल्फा वन हो सी नॉन जीरो हो, एंड तीसरी पॉसिबिलिटी सी भी जीरो एंड अल्फा भी वन हो। अब यहाँ पे पी ऑफ जीरो वन दिया गया, इसका मतलब सी वन है तो सी तो जीरो होगा नहीं। या तो एक तरीके से तुम ये भी बोल सकते हो कि सी रूट है तो सी इज इक्वल टू वन आ गया, मीन्स एक रूट वन हो गया, यहां से भी ऐसे भी बोल सकते हो, तो एक रूट वन हो गया तो पी ऑफ वन जीरो आ गया। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद सी ऑप्शन, इक्वेशन पी ऑफ इज इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट टू कॉमन रूट्स एंड जीरो इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। तो अब इसमें वो देखना पड़ेगा हमें आगे जा जाके, एक तो क्या हो रहा है c इज इक्वल टू जीरो भी आ सकता है कॉमन रूट है, वन भी आ सकता है। हैव एटलीस्ट टू रियल रूट्स, एटलीस्ट टू कॉमन रूट्स है ना, पी ऑफ एक्स जीरो। There's at least two common roots. तो चलो हम ये दोनों लेके चलते हैं यहाँ पे, उससे देखते हैं c is equal to zero and alpha is equal to one, ये दोनों roots है one, तो यहाँ पे ये जो p of x आएगा वो क्या आने वाला है, x into x plus one, x into x minus 1, clear? यह आने वाला है p of x। अब उसके बाद p of x निकालते हैं, ये दोनों लेके चल रहे हैं हम, ठीक है? अब यहाँ पे p of x का मतलब होता है कि p में x की जगह पे p of x को पुट करना है। क्या होता है, p में x की जगह पे p of x को पुट करना है। तो ये देखो यहाँ पे p ऑफ x का स्क्वायर माइनस p ऑफ x, तो यहां से p ऑफ x बाहर आ जाएगा एंड अंदर में बचा रहेगा p ऑफ x माइनस 1 एंड p ऑफ x देखो क्या है, x इंटू x माइनस 1 एंड p ऑफ x माइनस 1। तो देखो एक रूट कॉमन आ रहा है एटलीस्ट, मतलब दो रूट कॉमन आ रहे हैं क्या p ऑफ x में एंड इसमें 0 एंड 1। यहाँ पे भी देखो ये 0 पे 0 हो गया एंड 1 पे भी 0 होगा, और भी रूट्स मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन दो रूट तो कॉमन दिख रहा है। बोलो यहाँ पे हम सी जीरो अल्फा वन लेके चल रहे हैं, तो ये पी ऑफ एक्स, ये दोनों क्योंकि रूट थे इसके, तो ये पी ऑफ एक्स मिला। फिर पी ऑफ एक्स निकाला तो उसमें क्या करना होता है, पी में एक्स की जगह पे पी ऑफ एक्स पुट करना होता है, तो वो हमने पुट कर दिया। तो ये देखो दो रूट तो कॉमन आ ही गए। फिर उसके बाद हम जाते हैं किसके ऊपर, पी ऑफ एक्स के ऊपर। तो इसमें भी क्या करना है, एक्स की जगह पे जो पी ऑफ एक्स था, इसमें एक्स की जगह पे पी ऑफ एक्स पुट करना है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसमें पुट करते हैं पहले, ठीक है, यहां से करते हैं पी ऑफ एक्स एंड अंदर में ये पी ऑफ एक्स माइनस 1। तो पी ऑफ एक्स कितना आ रहा था, ये देखो ये आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू पी ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो दो रूट अगेन कॉमन दिख गए, दिखे? यस सर। ऐसे अब चलते जाएंगे तो तुम्हें एटलीस्ट दो रूट्स कॉमन दिखेंगे, बाकी जो पार्ट बनता है उसमें से भी कॉमन रूट आ सकता है, लेकिन अब उसको देखने की जरूरत नहीं है, हमें एटलीस्ट की बात करनी है कम से कम की। तो कम से कम दो तो दिख ही रहे हैं, ऐसे फिर पी ऑफ एक्स निकालोगे चार बार पी लेके, तो उसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो कम से कम दो कॉमन रूट तो आएंगे। क्लियर, बोलो। यस सर। हाँ
सर वो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इनटू एक्स माइनस वन कैसे है सर? क्योंकि ये दोनों रूट्स थे उसके, ठीक है, जीरो एंड वन अगर रूट होते तो फैक्टर्स आ जाते हैं एक्स एंड एक्स माइनस वन, ठीक है? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। तो वैसे अब वो अगला वाला देख लो, वो आंसर है क्या डी? यस सर। मैं भी देख लो, जब हम करते चलेंगे पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ कितने भी बार ले लो उन सब में ये आने वाला है। उन सब में ये आएगा तो जीरो उसका एक रूट हो जाएगा, क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार फिर से सॉल्व करके देखना। पहला ऑप्शन तो बहुत इजीली मिल जाता है लेकिन बाकी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चलो आज के लिए इतना ही है, फिर बाकी जो एक्सरसाइज थ्री है हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से देना कल की एग्जाम, मेंस पैटर्न है, टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है। सर हाँ सर, मुझे वो एक्सरसाइज वन की एट में डाउट था, मैंने पूछा था आपको पहले लेक्चर में लेकिन आपने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में। कौन से इसमें? एक्सरसाइज वन की एट, वो बाद में, अभी टाइम भी हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। यस ठीक है, तो चलो।